वर्तमान में जो काफिर कहकर के एवं हमारे देवस्थानों को बार बार प्रदूषित किया जाता, हमारे सनातनी त्योहारों पर बार बार उंगली उठाई जाती है, उनको ठीक से समझ में आ जावे और हिंदू राष्ट्र घोषित हो जावे। बाबा वागेश्वर का बड़ा बयान, वक्फ बोर्ड बंद करने की मांग। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हिंदू को माला और भाला साथ रखना चाहिए। सनातन बोर्ड का हो गठन, राजनीति में वोट बैंक के लिए न हो धर्म का इस्तेमाल। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा वागेश्वर धाम एक विश्वविख्यात नाम बन चुका है। जो भी कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। ऐसा ही नज़ारा जब देखने को मिला जब गुरुवार को कुमत विहार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार दिए। उन्होंने देश में धर्म, संस्कृति और समाज के लिए रक्षा के लिए अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। बाबा वागेश्वर ने अपने बयान में कहा कि हर हिंदू को माला और भाला साथ रखना चाहिए। उनका कहना था कि ये केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कर्तव्य नहीं है बल्कि हर हिंदू संवैधानिक अधिकार भी है। दरअसल शहर के कुमत विहार में हनुमान टेकरी में महंत बनवारी शरण की कठिया बाबा के सानिध्य में 5 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है। गुरुवार को कथा के दूसरे दिन बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दे डाला। वहीं उन्होंने बटोगे तो कटोगे के नारे को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बयान को सियासी नेता ने दिया है, ऐसे में वो किसी राजनेता के बयान पर टिप्पणी नहीं करते। साथ ही बाबा ने कहा कि धर्म से राजनीति चलती है, न कि राजनीति से धर्म। राजनीति में धर्म नहीं है तो समझ लो राजनीति अंधी है। उन्होंने कहा कि राजनीति होनी चाहिए लेकिन राजनीति में धर्म का उपयोग, और वो भी वोट बैंक के लिए नहीं, होना चाहिए। देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति में धर्म का प्रयोग हो रहा है। राजनेता अपनी रोटियां सेकने के लिए राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करना है, न कि सिद्धि दिखाना और चमत्कारी गुरु बनना। उन्होंने कहा कि बिना दरबार में चमत्कार होता है। दरबार तो हमारा डमरू है, डमरू बजाना, दरबार लगाने के बहाने हमें सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करना होता है। न हमें सिद्धि दिखानी है, न चमत्कारी गुरु बनना है, हमें आज्ञाकारी चेला बनना पसंद करते हैं। दरअसल वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के चित्रकूट में संत के द्वार पर स्वयंसेवक डंडा लेकर बैठता है वाले बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि देश और धर्म की रक्षा करना अति आवश्यक है। ये केवल संघ का ही दायित्व नहीं है बल्कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति संवैधानिक अधिकार है, वो भी अपनी संस्कृति परिवार की रक्षा करे। इसलिए उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें शस्त्र लाइसेंस भी देती है। संघ के साथ प्रत्येक भारतीय सनातन हिंदुओं को माला और भाला दोनों की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने हिंदू महिलाओं की सुरक्षा पर बोलते हुए कहा, अगर हमारी बहन बेटियों को कोई छेड़ता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये 2024 वाला जगा हुआ हिंदू है, 2010 वाला हिंदू नहीं। दरअसल सनातन बोर्ड के गठन को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि देश में वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं है, ये भी होना चाहिए। क्या हम वोट नहीं देते हैं? सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बनाकर कहते हैं कि देश की संसद और मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान को भी वक्फ बोर्ड ले ले तो क्या होगा? देश में वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो, वर्तमान में जो काफिर कहकर के एवं हमारे देवस्थानों को बार बार प्रदूषित किया जाता, हमारे सनातनी त्योहारों पर बार बार उंगली उठाई जाती है, उनको ठीक से समझ में आ जावे और हिंदू राष्ट्र घोषित हो जावे। रक्षा करने की आवश्यकता सबको है और ये केवल संघ का दायित्व नहीं है, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हमें अपने उसूलों की, अपनी संस्कृति की, अपनी खुद की, अपने परिवार की रक्षा करना है। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से, कानूनी तरीके से सरकार हमको शस्त्र का लाइसेंस भी देती है कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए ये शस्त्र रखिए, उसका लाइसेंस भी देती है। तो केवल जो है संघ नहीं, संघ के साथ साथ अब प्रत्येक भारतीय सनातन हिंदुओं को माला और भाला दोनों रखने की आवश्यकता है। और उन्होंने जो कहा कि संतों की रक्षा के लिए स्वयं सेवक बैठेंगे, बहुत अच्छा है, हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद। महाराज जी भी बटोगे तो कटोगे, देश भर में चाहे सब जगह ये बयान सुर्खियों में है। अगर उन्होंने एज ए पॉलिटिक्स के नाते कहा तो हम किसी भी राजनेता पर कोई बयान या टिप्पणी नहीं देते, पर अगर वो महंत हैं और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के नाते कहा तो बहुत सुंदर कहा है, यही हमारा ध्येय है। और इसके लिए 4 जुलाई को ऑलरेडी हमने घोषणा की थी कि हम इस देश में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को मिटाने के लिए, पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए पैदल जाएंगे और 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और भारत के पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे 21 नवंबर से 29 नवंबर तक। देखिए, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। राजनीति में अगर धर्म नहीं है तो राजनीति अंधी है,
लेकिन एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से बता दे, राजनीति होनी चाहिए पर राजनीति में धर्म का उपयोग वोट बैंक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति का सपोर्ट धर्म का प्रयोग इस देश के राजनेता अपनी रोटियां सेकने के लिए। देखिए हमारा यह बयान था कि आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये 2024 का जागा हुआ हिंदू है, वो 2010 वाला हिंदू नहीं है कि हिंदू हिंदू कहने के नाम पे वो डर करके अंदर घुस जाए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब बख वोट है तो सनातन वोट क्यों नहीं होना चाहिए? एक ही देश में तो रहते हैं, क्या हम नहीं वोट देते? आज क्या खाती करके आए हो? वक्फ बोर्ड सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा। तो भैया हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो, एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहे, या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन। राजस्थान में वर्तमान में लव जिहाद का बहुत बड़ा मुद्दा छाया है, यहाँ पर बहुत प्रायोजित तरीके से ऐसा कर रहे हैं। राजस्थान पूर्व भारत के युवाओं को हम प्रार्थना करेंगे, हमारे पीछे मोबाइल लेके जितने घूमते और भागते हैं उन युवाओं से हम प्रार्थना करेंगे, तुम ऐसे मत बनो कि तुम्हें किसी की सेल्फी लेने के लिए पीछे दौड़ना पड़े, ऐसी कामयाबी पाओ कि तुम्हारे पीछे लोग सेल्फी लेने के लिए दौड़े। बाकी ये धर्मांतरण पर बात करना, सनातन पर बात करना, इस देश में तलवार की धार पर चलना, तो ये तो पता है कि वो प्रायोजित तरीके से निपटाएंगे, हमें ये पता है, लेकिन हम कुछ करके जाएंगे हमें ये भी। दूसरी बात, इसका मूल कारण कभी भी कोई हाजी या मौलवी गंदा काम करता है या पादरी गंदा काम करता है तो कभी भी उसके मजहब के लोग तूल नहीं देते। हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी कि ये अपने गुरुओं में गुण देखने की बजाय अवगुण देखते हैं, जैसे ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, ऐसे ही हिंदू होते हैं जो अपने गुरुओं में सिर्फ अवगुण देखते हैं कि बाबा फंसेगा, आज हमारा परिवार घर से बाहर नहीं निकल पाता। अभी 10 दिन पहले 3 शूटर पकड़े गए घर के बाहर में, आपकी ही न्यूजों ने दिखाए, 3 लोग पकड़े गए, कट्टा लेकर के पकड़े गए, हमारा परिवार अकेला नहीं चल सकता, हमारा भाई अकेला नहीं जा पाता, हमारे माता पिता ने, इनके लिए फंड आता पीएफआई से, विदेशों से फंड आता है और ये प्रायोजित तरीके से अपनाते। हम एक एक रुपया कथा का जोड़ करके कभी धर्म धर्म घर वापसी के लिए, कभी मंच लगाने के लिए, कभी कोई बेटी की शादी के लिए, जो अभी है वो तो नहीं होगी, वो होगा, सबको रहने का अधिकार होगा। जैसे यहूदियों के देश में यहूदियों को एक पावर है कि आपको कोई भी देश अगर भगा देता है तो आप यहूदियों के देश में वापस जा सकते, जैसे दुबई में सभी धर्मों के लोग रहते हैं पर विशेष पावर वहां के मुसलमानों को है, जैसे पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं पर विशेष पावर वहां मुसलमानों को है, वैसे ही भारत में हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये है, मॉरिशस, नेपाल, फिजी, सुरिनाम, ऑस्ट्रेलिया या इन हिंदू बहुल देशों में रहने वाले लोगों को, आज मान लो कनाडा के लोगों ने भगाया हिंदुओं को, उल्टा सीधा बोल रहे, अब अगर वो हिंदू भाग जाएंगे कहां जाएंगे, बांग्लादेश के हिंदू कहां जाएंगे? तो एक देश ऐसा होना चाहिए जो हिंदुओं के लिए होना चाहिए, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। भारत के अंदर आत्मविश्वास कितना है ये महत्वपूर्ण है, हम वो आदमी है जो अंदर है वो बाहर, हमें अपनी गलती स्वीकार करने में 1% भी झिझक नहीं। हमने दक्षिणा ली, हमें बेटियों का ब्याह करवाना, हमें कैंसर हॉस्पिटल बनाना, हमें आदिवासी बेटियों को पालना है क्योंकि हमारे क्षेत्र, हमारा क्षेत्र ट्राइबल है।